अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे इज़ आवर लेक्चर 28, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग लेक्चर 28. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो फॉर रिवीजन ऑफ लेक्चर 27. सो आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू फॉर लेक्चर फ्रॉम लास्ट लेक्चर 27. तो कैसे हैं आप लोग, खैरियत से हैं? तो आप हम कोर्स के क्लाइमेक्स में हैं इस वक्त, ठीक है. हॉट टॉपिक्स पे आगे हुए हैं, कोर टॉपिक्स पे आगे हुए हैं, सारे कोर टॉपिक्स हैं. हमने स्टार्ट किया था बेसिक स्टफ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट वगैरह से, इन चीज़ों से स्टार्ट किया था. और इस वक्त हम बहुत इम्पोर्टेंट एरियाज पढ़ते पढ़े. तो लास्ट लेक्चर किसने तैयार किया हुआ है? जी हाँ, देखें आप, रिवीजन करा रहा हूँ मैं, और वेरी क्विक रिवीजन को कहते हैं फास्ट रिवीजन, लेक्चर 27. तो थोड़ा सा मुझे बताएं ना कि क्या पढ़ा था हमने. मेरे पास क्वेश्चंस हैं आपके लिए. क्या है मेरे पास? क्वेश्चंस हैं, आपने आंसर्स करने हैं. और जो आप क्वेश्चन देखेंगे, अगर आपने सेल्फ स्टडी की हुई है घर में, होम स्टडी आपने की हुई है, थोड़ा टाइम मिला, आपने ग्रुप डिस्कशंस की हुई है, आपस में शेयरिंग नॉलेज किया हुआ है, आई डोंट थिंक यू विल हैव एनी प्रॉब्लम. This is my questions. What is intrinsic value? What is intrinsic value analysis? How common shares are valuated? All these questions we discussed in our last lecture, business valuations. और ये questions मैंने आपसे answers पूछने very quickly. बताएं what is intrinsic value? और उसको कैसे analysis करते हैं? और common shares को की valuation कैसे होती है? इन थ्री क्वेश्चन का आंसर चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम हमने इनको बड़े डिटेल में डिस्कस किया था. राइट, सो हु विल गिव द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंट्रिंसिक वैल्यू? ये वर्ड जो है इंट्रिंसिक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू, फेयर वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, ये वर्ड आपको इस सब की मीनिंग, इस सब का कंसेप्ट वेरी क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में. जी यस, कौन बताएगा? जब मैं पूछता हूँ कौन बताएगा और आपकी तरफ देख रहा हूँ, तो आप एक दूसरी तरफ देख रहे होते हैं या नीचे देख रहे होते हैं, लेकिन सम टाइम आप हाथ भी खड़ा करते हैं. तो जी, ये जो मेरे फ्रेंड जो है सेकंड रो में जो बैठे हुए हैं, जी जो सेकंड रो में बैठे हुए हैं, आप बताएं, आंसर दें फर्स्ट क्वेश्चन का. अगर आपने स्टडी किया, व्हाट इज इंट्रिंसिक वैल्यू? जी हाँ, ये जो सेकंड रो में बैठे हुए, ये आप बताएं. हाँ, गुड, रियल वर्थ, ओके गुड, वर्डिंग आपने सही यूज की है, गुड, आता है आपको. अ शेयर्स इंट्रिंसिक वैल्यू इज अ प्राइस दैट इज जस्टिफाइड फॉर इट व्हेन द प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ वैल्यू आर कंसिडर, व्हेन द प्राइमरी फैक्टर्स, इन अदर वर्ड्स, इट इज अ रियल वर्थ of the debt or equity instrument as distinguished from the current market price. Your real worth hai kehte hain yaar, hame book value mat batao company ki, hame fair value bhi pata hai ya market value bhi hame pata hai, lekin we want to know intrinsic value, real worth kitni hai company ki. So it's a real worth, intrinsic value, good, it's a real worth. So who will tell me how to एनालिसिस, इंट्रिंसिक वैल्यू एनालिसिस क्या है, कैसे करते हैं आप? गुड, आपने खुद ही बताया है, पढ़ा हुआ आपने, इसका मतलब है गुड. बहुत अच्छा लगता है जब आप आंसर करते हैं, प्रीवियस लेक्चर्स के बारे में बोलते हैं कुछ. मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप बिल्कुल अभी उसको 100% से करें, लेकिन एटलीस्ट जब उसको आंसर कर रहे होते हैं, इससे पता चलता है कि आप होम स्टडी करके आए हैं, सेल्फ स्टडी की, आपको शो के आप पढ़ते हैं प्रीवियस लेक्चर्स. और आप देखें, मैं अपने हर न्यू लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर को रिकैप करता हूँ, उसके बारे में क्वेश्चंस कर लेता हूँ. तो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर आप पढ़ के आते हैं, रिवाइज करके आते हैं, तो आपकी रिवीजन हो जाती है फास्ट. राइट, आपको पता चलता है कि हाँ जी, हम बैठे हुए, लास्ट लेक्चर क्या था, अभी सर पूछेंगे, तो 3-4-5 मिनट्स हम एवरी लेक्चर, न्यू लेक्चर के स्टार्ट में प्रीवियस लेक्चर को डिस्कस करते हैं.
ये आपके बेनिफिट के लिए, आपके एडवांटेज के लिए, आप इससे भरपूर फायदा उठाएं उठा सकते हैं। आप ऐसी तैयार होकर आए लेक्चर से पहले 15-20 मिनट्स अपने नोट्स अच्छी तरह और देख लें, 1 आवर पहले देखें, डिस्कस कर लें और चैलेंज करेंगे, अभी सर क्वेश्चन करेंगे मैं आंसर करूंगा। तो आप जो ये कोशिश करेंगे आपको एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर इसका बहुत बेनिफिट होगा। कंसिस्टेंसी मैंने आपको बताया था ना, टू थिंग्स डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट। इंट्रिंसिक वैल्यू एनालिसिस, इंट्रिंसिक वैल्यू एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग, इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग, दिस इज अ वर्ड कंपेयरिंग द रियल वर्थ ऑफ ए शेयर विद द करंट मार्केट प्राइस और प्रपोज परचेज प्राइस। आप किसको कंपेयर कर रहे हैं, मार्केट प्राइस को या जो प्रपोज प्राइस है, जो प्रपोज की गई है कि हम इतना पे करेंगे इस कंपनी के लिए, ठीक है, उसको आप कंपेयर करते हैं। एनालिसिस क्या है, हम रियल वर्थ ऑफ शेयर को कंपेयर कर रहे हैं कि मार्केट रियल वर्थ हमने कैलकुलेट किया है, दिस इज द रियल वर्थ ऑफ द कंपनी, मार्केट में क्या है और ऑफर क्या आ रही है, प्रपोज क्या है। सो इंटरेस्टिंग वैल्यू एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द रियल वर्थ ऑफ ए शेयर विद द करंट मार्केट प्राइस और प्रपोज परचेज प्राइस। द प्राइमरी गोल ऑफ इंटेंसिक वैल्यू एनालिसिस इज टू लोकेट क्लियरली अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड कंपनीज, ओवर वैल्यू फर्म्स और ओवर वैल्यूड शेयर्स। क्या मकसद क्या है, आप इंटेंसिक वैल्यू क्यों कैलकुलेट करते हैं, आपको बुक वैल्यू पता है, आपको फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू पता है। जब आप इंटेंसिक वैल्यू करते हैं, रियल वर्थ करते हैं, तो आपको पता चल जाता है कंपनीज के शेयर्स या कंपनी या इसके शेयर्स अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। मैंने लास्ट लेक्चर में एग्जाम्पल दी थी ना आपको, आपको याद है लास्ट लेक्चर, अगर मार्केट वैल्यू उसकी है 12, क्या है 12, शेयर की मार्केट वैल्यू 12 है, लेकिन उसकी हमने जब इंट्रेंसिक वैल्यू फाइंड आउट की, हमें उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू 15 निकली है और मार्केट में 12 है, इसका मतलब है फर्म शेयर जो है अंडर वैल्यूड है। ऐसे फर्म्स को दूसरी कंपनी फॉरन एक्वायर कर लेती है, क्यों, इनकी मार्केट वैल्यू जो है वो इंट्रेंसिक वैल्यू से कम है, इसका मतलब इस कंपनी में पोटेंशियल है भी बहुत ज्यादा, इसका शेयर अभी और ऊपर जाएगा। और वाइस वर्सा, अगर आपकी मार्केट वैल्यू 12 है और इंट्रेंसिक वैल्यू 10 निकल आई है, आप ओवर वैल्यूड हैं, राइट। सो अगर कंपनी आपको एक्वायर भी करेगी वो उतने पैसे नहीं देगी, कहेंगे नहीं ऑल दो योर मार्केट वैल्यू इज 12 बट वी नो द रियल वर्थ ऑफ द कंपनी इज 10, इंट्रेंसिक वैल्यू 10 है, सो यू आर ओवर वैल्यूड। सो द प्राइमरी गोल ऑफ इंट्रेंसिक वैल्यू एनालिसिस इज टू लोकेट क्लियरली अंडर वैल्यूड और क्लियरली ओवर वैल्यूड फर्म्स और शेयर्स। यस, इंट्रेंसिक वैल्यू एनालिसिस। लास्ट क्वेश्चन क्या था मेरा, हाउ कॉमन शेयर्स आर वैल्यूएटेड। आपको बताया था ना अप्रोचेज मेथड्स कॉमन शेयर्स की वैल्यूएशन किस तरह करते हैं, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, वी डिस्कस फ्यू मेथड्स विद एग्जाम्पल्स एंड हेट इज थ्री अप्रोचेस फॉर वैल्यूइंग कॉमन शेयर्स, थ्री अप्रोचेस, सिंगल पीरियड मॉडल 0 पॉइंट से ईयर 1 तक, सिंगल पीरियड, परपेचुअल डिविडेंड्स, नो ग्रोथ, डिविडेंड परपेचुअल है बट ग्रोथ नहीं है डिविडेंड में, इसका मतलब अर्निंग्स में ग्रोथ नहीं है। नंबर थर्ड, परपेचुअल डिविडेंड्स कांस्टेंट ग्रोथ, परपेचुअल डिविडेंड है लेकिन ग्रोथ में जो कांस्टेंट ग्रोथ की ग्रोथ जो वर्ड ये कांस्टेंट है, राइट। सो ऑल थ्री मेथड्स, ऑल थ्री अप्रोचेज वी डिस्कस्ड इन डिटेल इन आवर लेक्चर 27, हाउ टू वैल्यू कॉमन शेयर्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये आपने रिवाइज किया होगा, आपने खुद एग्जाम्पल्स दोबारा घर में बैठ के की होंगी, आपने आपस में शेयरिंग की होगी, अपना नॉलेज शेयर किया होगा, डिस्कशंस की होंगी और ये चीज़ें अब आपको आती होंगी। ओके, सो
आई हैव ग्रेट होप्स कि आप कर रहे हैं काम. मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, लास्ट हमारा टॉपिक था बिजनेस वैल्यूएशंस. अब आप उस पूरे टॉपिक को रिकैप करेंगे, बिजनेस वैल्यूएशन को आप खुद देखें और उसकी एक समरी बनाएं कि कौन से मेन एरियाज हमने टच किए हैं और इसका किसान आप आंसर करेंगे. मर्जर्स एंड एक्विजिशंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. सो कौन बताएगा का डिफरेंस क्या है इनमें, मर्जर में क्या डिफरेंस है, मर्जर एंड एक्विजिशन में डिफरेंस क्या है? जब कंपनी मर्ज होती है तो क्या होता है, जब कंपनी एक्वायर्ड होती है फिर क्या होता है? आपने अपनी प्रीवियस स्टडीज या अभी जो आजकल आप पढ़ रहे हैं अपने सेमेस्टर में डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, इसमें वर्ड तो आपने सुना होगा ना, मर्जर्स एक्विजिशंस, मर्जर्स एक्विजिशंस. कुछ देखा तो होगा आपने, कंपनी ए कंपनी बी मर्ज हो रही है. मर्ज का मतलब है, अभी हम आगे देखेंगे मर्जर क्या होता है. एक्वायर, कंपनी ए कंपनी बी, ए बाय को बी को एक्वायर कर लेती है, बाय कर लेती है. तो दिस इज ऑल्सो, चाहे फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग हो, मार्केटिंग हो, सेल्स हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. बट ऑब्वियसली इसमें मोस्टली थिंग्स रिलेट्स टू फाइनेंस है, कि फाइनेंस का टॉपिक है. मर्जर एक्विजिशंस विदाउट रिलेटिंग एसेट्स एंड अदर थिंग्स इज नॉट फिजिबल. मेंबर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजमेंट डायरेक्टर्स कैन नॉट टेक एनी डिसीजन विदाउट द नंबर्स, विदाउट हैविंग द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल भी, और यहां पे दोनों की बैटरी बराबर है. मर्जर एंड एक्विजिशन, फाइनेंशियल मैनेजर्स यूज द टर्म ग्रोथ टू मीन इंक्रीज द साइज एंड एक्टिविटीज ऑफ फर्म ओवर द लॉन्ग रन. फाइनेंशियल मैनेजर्स जो है टर्म यूज करते हैं ग्रोथ. ग्रोथ का मतलब है इंक्रीज इन द साइज एंड एक्टिविटीज लॉन्ग रन में, साइज एंड एक्टिविटीज. इसको फाइनेंशियल मैनेजर यूज द टर्म ग्रोथ टू मीन इंक्रीज इन द साइज एंड एक्टिविटीज ऑफ द फर्म ओवर द लॉन्ग रन. थ्री मेजर्स ऑफ कॉर्पोरेट ग्रोथ आर कॉमनली यूज. आप कैसे कह सकते हैं कि ये कंपनी ग्रो कर रही है? लेट्स सी, आपसे कहते हैं ना, बताएं इस इंडस्ट्री में या आपकी कंपनी का ग्रोथ है या नहीं है. आपके जहन में क्या चीज आएगी कि मैं क्या चीज सोचूं इस कंपनी के बारे में, क्या इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करूं जो मैं आंसर कर सकता हूं कि वाकई ग्रोथ है इस कंपनी में, इस इंडस्ट्री में ग्रोथ है या नहीं है. थ्री मेजर्स, तीन चीजें अगर हैं तो इसका मतलब ग्रोथ है. थ्री मेजर्स ऑफ कॉर्पोरेट ग्रोथ आर कॉमनली यूज. नंबर वन, इंक्रीजेज इन सेल्स. अगर सेल्स बढ़ती जा रही हैं तो इसका मतलब है आपकी कंपनी ग्रोथ है, सेल्स बढ़ रही हैं, एक साइन है ना. आप एक साइन, दिस अ वेरी इफेक्टिव साइन, वेरी यू कैन से जो फिजिबल आपको नजर आ रहा है कि कंपनी की सेल्स बढ़ रही हैं, तो ग्रोथ है, दिस बीन ग्रोथ. इंक्रीज इन प्रॉफिट्स, अगर प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, ठीक है, इसमें ग्रोथ है, इस सेक्टर में ग्रोथ हो रही है. इंक्रीज इन सेल्स, इंक्रीज इन प्रॉफिट्स, इंक्रीजेस इन एसेट्स, इंक्रीजेस इन सेल्स, इंक्रीजेस इन प्रॉफिट्स, इंक्रीजेस इन एसेट्स. कंपनी के एसेट्स बढ़ रहे हैं, यू कैन से यस ग्रोथ. The measures of corporate growth are commonly used in three things: increase in sales, increase in profits, increases in assets. So growth, पहले हम merger acquisition discuss कर रहे हैं, इसमें growth का element पहले discuss करें. growth, financial manager growth, वो किस term में use करते हैं? वो कहते हैं जी growth अगर company का size बढ़ रहा है या company की activities बढ़ रही है, activities में increase आया है या साइज में इंक्रीज आया, दिस मीन ग्रोथ है. और हम कैसे मेजर कर रहे हैं? थ्री थिंग्स, इंक्रीज इन प्रॉफिट्स,
इंक्रीज इन सेल्स, इंक्रीज इन एसेट्स। अब इंटरनल ग्रोथ क्या होती है? इंटरनल ग्रोथ, एक्सटर्नल ग्रोथ हम डिस्कस करते हैं। इंटरनल ग्रोथ क्या है? अ फर्म इज सेड टू बी ग्रोइंग इंटरनली व्हेन इट इंक्रीजेस सेल्स एंड प्रॉफिट्स बाय एक्सपेंडिंग इट्स ओन ऑपरेशन। अ फर्म इज सेड टू बी ग्रोइंग इंटरनली व्हेन इट इंक्रीजेस सेल्स एंड प्रॉफिट्स बाय एक्सपेंडिंग इट्स ओन ऑपरेशन। अपने ऑपरेशन से प्रॉफिट्स भी बढ़ा, सेल्स बढ़ा रही है और प्रॉफिट भी बढ़ा रही है, तो उसको हम इंटरनल ग्रोथ कहते हैं। इट मे परचेज न्यू मशीनरी टू इंक्रीज इट्स कैपेसिटी टू प्रोड्यूस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, और इट मे परचेज इज मशीनरी एंड ट्रेन इट्स सेल्फ फोर्स टू प्रोड्यूस एंड सेल अ न्यू प्रोडक्ट। कंपनी मशीनरी बाय कर सकती है और अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को, जो आप प्रोडक्ट अभी बना रहे हैं उसमें इंक्रीज ले आए, या मशीनरी बाय कर रही है और न्यू प्रोडक्ट बना रही है। लेकिन है ये इंटरनल ग्रोथ अंदर से, ठीक। फॉर एग्जाम्पल हम फर्नीचर बना रहे हैं, हमने मशीनरी ली, हम फर्नीचर ही बना रहे हैं, लेकिन हमने मशीनरी ली, हम नई शेप के फर्नीचर, न्यू प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो दिस इज ऑल इंटरनल ग्रोथ। इट मे परचेज न्यू मशीनरी टू इंक्रीज इट्स कैपेसिटी टू प्रोड्यूसिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स जो अभी जा रही हैं उसमें इंक्रीज लाने के लिए, उसकी कैपेसिटी इन्हांस की है। और इट मे परचेज मशीनरी एंड ट्रेन इट्स सेल्फ फोर्स टू प्रोड्यूस अ सेल अ न्यू प्रोडक्ट। सो ये इंटरनल ग्रोथ में आता है, राइट। इन आइदर केस मैनेजमेंट इज कमिटेड इट्स सेल्फ टू एन एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग एक्टिविटीज। In one case, the firm seeks a large volume of sales with current products. In the other, the firm begins to expand into new product areas and markets. कोई भी दोनों सूरतों में जो हमने डिस्कस की कि मशीनरी लाई है और मशीनरी को अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट सेल करने पर यूज किया है, ये केस हो, या मशीनरी लाई है और आप न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू मार्केट्स के लिए कर रहे हैं। So in both cases, management is committing itself to an expansion of existing activities. In both cases, this is all we say is called internal growth. कि कंपनी बढ़ रही है। जब आप ये चीज देखते हैं कि कंपनी अपनी सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है, मशीनरीज ले रही है, या उसी मशीनरी से न्यू टाइप ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशन के साथ आ रही है, सो दिस इज ऑल इंटरनल ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ। अब आप देखेंगे हम इसको कैसे लिंक करेंगे ग्रोथ को, कंसेप्ट को मर्जर एंड एक्विजिशन के साथ। क्यों हम ग्रोथ को डिस्कस कर रहे हैं मर्जर एंड एक्विजिशन में, राइट। इंटरनल ग्रोथ मे बी फंडेड फ्रॉम सोर्सेज इनसाइड और आउटसाइड द फर्म। फंडेड, अब इंटरनल ग्रोथ को फंडेड कैसे कर सकते हैं? अब इंटरनल ग्रोथ है ना, अभी सेल्स बढ़ानी है, सेल्स बढ़ी है ना, जब सेल्स बढ़ती है डेटर्स इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, याद करें वर्किंग कैपिटल में पढ़ा था, जब सेल्स इंक्रीज होती हैं आपके डेटर्स भी इंक्रीज होते हैं। सेल्स इंक्रीज हो रही है, आप शायद यू आर स्पेंडिंग ऑन फिक्स एसेट्स, बाइंग न्यू मशीनरीज, सो दिस इज इट्स सेइंग इट्स इंटरनल ग्रोथ मे बी फंडेड फ्रॉम सोर्सेज इनसाइड और आउटसाइड द फर्म। इसको फंडिंग कैसे हो रही है इंटरनल ग्रोथ को, इनसाइड से भी हो सकती है और आउटसाइड से भी हो सकती है। इंटरनल सोर्सेज इंक्लूड रिटेन अर्निंग्स एंड द फंड्स शील्डेड बाय डेप्रिसिएशन एंड अदर नॉन कैश एक्सपेंसेस। इंटरनल सोर्सेज जो है वो उसमें क्या इंक्लूड है? इंटरनल सोर्सेज में इंक्लूड है कि आपके रिटेन अर्निंग्स हैं, आपके रिजर्व, जिसको हम कहते हैं रिजर्व में रखा हुआ रिटेन अर्निंग्स, आप उसको यूज, उन फंड, उन पैसों को यूज कर सकते हैं। इंटरनल सोर्सेज में है कि रिटेन अर्निंग्स, आप जो आपके रिटेन अर्निंग्स, योर रिजर्व्स में पैसा पड़ा है वो आप यूज कर सकते हैं, फंडेड कर सकते हैं जो इंटरनल ग्रोथ के लिए। एंड द फंड्स शील्डेड बाय डेप्रिसिएशन एंड अदर नॉन कैश एक्सपेंसेस,
नॉन कैश एक्सपेंसेस क्या होते हैं? द एग्जाम्पल ऑफ नॉन कैश एक्सपेंसेस इज डेप्रिसिएशन. आप एसेट्स की डेप्रिसिएशन रख रहे हैं, रिजर्व्स में रख रहे हैं, लेकिन कैश आउटफ्लो नहीं है. कैश आउटफ्लो नहीं है, आपके पास हैं पैसे पड़े हुए नॉन कैश आइटम्स, इसलिए डेप्रिसिएशन को हम नॉन कैश आइटम्स भी कहते हैं कि आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होते हैं लेकिन किसी को दे नहीं रहे होते, अपनी रिजर्व्स अकाउंट में रख रहे होते हैं, कैश आउटफ्लो नहीं है. इफ आउटसाइड फंड्स आर सॉट द फर्म मे ऑफर डेट और इक्विटी शेयर्स टू रेज मनी. अगर आउटसाइड से फंड्स को रेज करना है तो कंपनीज डेट और इक्विटी शेयर्स या लोन की तरफ जाएगी या फिर शेयर इशू करेगी टू रेज मनी. सो दिस इज ऑल अबाउट के इंटरनल ग्रोथ को फंडेड कैसे किया जाता है. इंटरनल ग्रोथ को कैसे फंडेड किया जाता है? रिटेन अर्निंग्स से या फिर आपके नॉन कैश एक्सपेंसेस जो हैं, फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन, वहां पे जो रिजर्व पैसा है, पड़ा हुआ है, उसको यूज करते हैं आपकी इंटरनल ग्रोथ के लिए, राइट. एंड अब आ जाए एक्सटर्नल ग्रोथ. एक्सटर्नल ग्रोथ क्या है? एक्सटर्नल ग्रोथ ऑकर्स व्हेन अ फर्म टेक ओवर्स द ऑपरेशन ऑफ अनदर फर्म. सी, द एक्वायरिंग फर्म मे परचेज द एसेट्स और स्टॉक और मे कंबाइन विद द सेकेंड फर्म. सिंस द सेकेंड कंपनी हैज सेल्स एंड एसेट्स ऑफ इट्स ओन, द फर्स्ट कंपनी डज नॉट हैव टू जनरेट द न्यू बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच. सो दिस इज इन अदर वर्ड्स द एडवांटेजेस ऑफ एक्विजिशन. एक्सटर्नल ग्रोथ क्या करते हैं? इंटरनल ग्रोथ आपने देखी है. एक्सटर्नल ग्रोथ क्या है? एक्सटर्नल ग्रोथ ये है कि फर्म दूसरी कंपनी की या तो एसेट बाय कर लेती हैं या शेयर, और मे कंबाइन विद दिस सेकंड फर्म. ठीक है, क्योंकि जो फर्म आपने एक्वायर की है उसकी सेल्स भी है, उसके एसेट्स भी हैं. ठीक है, कोई भी कंपनी आप एक्वायर करते हैं उसके उसके सेल्स डिपार्टमेंट भी होगा, सेल्स भी होगी. शायद उसकी सेल्स उतनी रैपिड ना होता, फास्ट ना हो जितना आपकी कंपनी है, लेकिन सेल्स तो हो रही है, कंपनी के एसेट्स तो हैं. तो आप जो भी कंपनी एक्वायर कर रहे हैं, अपनी ही इंडस्ट्री में कोई कंपनी एक्वायर कर रहे हैं या अपनी इंडस्ट्री से डिफरेंट इंडस्ट्री में की कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं, कंपनी जब एक्वायर कर रहे हैं, दिस मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट द बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच बिकॉज यू हैव बॉट द कंपनी, दिस इज एक्विजिशन. सो कंपनी की कहीं ना कहीं सेल्स है, कहीं ना कहीं उसके शेयर्स हैं और कहीं उसके एसेट्स हैं. तो एक कॉमन सी बात है, आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप चीजें स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल शुरू से, लेकिन आप कोई कंपनी बाय कर लेते हैं तो आपको एसेट्स भी मिलते हैं, सेल्स भी मिलती हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि आप स्कूल खोलना चाह रहे हैं. अगर आप बिल्कुल अपना नया स्कूल भी खोलेंगे तो आप स्क्रैच से काम करेंगे, आप बिल्डिंग बनाएंगे या बिल्डिंग रेंट पे लेंगे, एडवर्टाइज करेंगे, स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करेंगे, एंड देन स्लोली 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 यू विल बिल्ड अप द इंस्टीट्यूट. आप बिल्ड इंस्टीट्यूट को बनाते जाएंगे, लेकिन आपने एक सेकंड फॉर्म की है, आपने एक रनिंग स्कूल को बाय कर लिया. उसके एसेट्स क्या हैं? उसके स्टूडेंट्स, उसका फर्नीचर, उसकी बिल्डिंग. आपने रनिंग स्कूल को बाय किया है, सो यू आपको वो चीजें फेस नहीं करनी पड़ेंगी जो आपने इट्स ओन जो स्टार्ट किया बिजनेस के लिए. तो आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना नहीं पड़ा. स्टूडेंट्स ज्यादा नहीं होंगे, थोड़े हैं लेकिन हैं तो सही. एसेट ज्यादा नहीं है लेकिन हैं तो सही. मार्केट शेयर ज्यादा नहीं है लेकिन है तो. सो यू आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच. सो दिस इज एक्सटर्नल ग्रोथ. ठीक है, व्हेन अ फर्म टेक ओवर्स द ऑपरेशन ऑफ अनदर फर्म. एक्सटर्नल ग्रोथ ऑफर्स अ नंबर ऑफ एडवांटेजेस ओवर इंटरनल ग्रोथ. एक्सटर्नल ग्रोथ को बहुत से एडवांटेजेस हैं इंटरनल ग्रोथ के ऊपर.
क्या एडवांटेजेस हैं? देयर आर फोर मेन एडवांटेजेस. हाउ मेनी? फोर मेन एडवांटेजेस: रैपिड एक्सपेंशन, इमीडिएट कैश इनफ्लोज, रिडक्शन ऑफ रिस्क एंड इकोनॉमीज. थोड़ा आप इनके ऊपर सोचें, थिंक अबाउट दिस, कि ये जो एडवांटेजेस हैं, एक्सटर्नल ग्रोथ ऑफर्स अ नंबर ऑफ एडवांटेजेस ओवर इंटरनल ग्रोथ. ये फोर एडवांटेजेस हैं, ये क्या हैं? रैपिड एक्सपेंशन, इमीडिएट कैश इनफ्लोज, रिडक्शन ऑफ रिस्क, इकोनॉमीज. ये क्यों कहा जाता है कि ये फोर मेन एडवांटेजेस हैं एक्सटर्नल ग्रोथ को ओवर इंटरनल ग्रोथ? सो वी लुक एट दिस पॉइंट्स. रैपिड एक्सपेंशन, टेकिंग ओवर द ऑपरेशंस ऑफ अनदर फर्म इज द क्विकेस्ट पाथ टू ग्रोथ. द एक्वायरिंग फर्म इलिमिनेट्स द लीड टाइम फॉर ऑर्डरिंग एंड इंस्टॉलिंग मशीनरी, प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट्स एंड अचीविंग सेल्स इन द मार्केट प्लेस. हम एक्सटर्नल ग्रोथ की बात कर रहे हैं. जब आप दूसरी कंपनी को एक्वायर करते हैं, ये आपकी एक्सटर्नल ग्रोथ है. उसको क्या एडवांटेज है? रैपिड एक्सपेंशन. ठीक है, आप जब किसी कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ एसेट्स भी मिलते हैं, आपको मार्केट शेयर भी मिलता है, आपको स्किल्ड लेबर भी मिल सकती है, आपको प्रोफेशनल स्टाफ भी मिल सकता है. सो द एक्वायरिंग फर्म एलिमिनेट्स द लीड टाइम ऑफ ऑर्डरिंग एंड इंस्टॉलिंग मशीनरी. अगर आप कोई बिजनेस शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, वो आप मशीनरी जाके पहले सेलेक्ट करेंगे, पहले उससे पहले सर्च करेंगे, देन विजिट करेंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे, फिर ऑर्डर देंगे, फिर आएगी, फिर इंस्टॉल होगी. तो ये सब प्रोसेस है. अगर आपकी कंपनी एक्वायर कर रहे हैं, आई वुड नॉट से 100% आप सेफ बच जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट 70-80% आपका टाइम सेफ हो जाता है. आप इन चीज़ों से बाहर आते हैं. इम्प्रूवमेंट की जरूरत हो सकती है. आपने कंपनी एक्वायर की है, डेफिनेटली आप उसको इम्प्रूव करेंगे, लेकिन जो मेन आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है किसी कंपनी को एक्वायर करने में, उसकी उसका सेल्स फोर्स मिल जाती है, उसका स्किल लेबर मिल जाती है, एक एसेट्स मिल गए, मार्केट शेयर मिल गया, तो ये काफ़ी हद तक आपको एक्सपेंशन में, रैपिड एक्सपेंशन में हेल्प आउट करता है. राइट. इमीडिएट कैश इनफ्लोस, एकदम कैश इनफ्लो भी आना शुरू हो सकता है. किस तरह? अगर आपने कंपनी एक्वायर की है, आप अगर न्यू कंपनी लेके जा रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं मार्केट में, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है. कस्टमर आप पे ट्रस्ट करते हुए आप टाइम लेंगे. दिस इज नॉट लाइक ओवरनाइट. इवन बिग कंपनीज, उनको भी मार्केट शेयर में, मार्केट करने में टाइम लग जाता है. सिंस द फर्म इज टेकिंग ओवर एन ऑपरेटिंग बिजनेस, इट विल रियलाइज ऑलमोस्ट इमीडिएट इनफ्लोज एज कस्टमर सर्विस द गुड्स एंड पे फॉर देम. दीज इनफ्लोज वुड नॉट बी रिसीव्ड इफ द फर्म हैड टू बिगिन कंस्ट्रक्शन ऑफ फैसिलिटीज एंड देन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. तो इसमें है कि आपको इमीडिएट कैश इनफ्लोज, इमीडिएट कैश इनफ्लोज आपको मिल जाते हैं, क्यों? कंपनी का जो भी सेल्स वॉल्यूम है, आपको सेल्स हो रही है, आपको कैश इनफ्लो से मिल गया. सो एक्सटर्नल ग्रोथ में एक बड़ा एडवांटेज है. अगर ये एक्विजिशन में ना हो, मर्जर में ना हो, आप एक ग्रीन फील्ड से एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो बिलीव करें प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है कि आप अपने कैश इनफ्लोज को एकदम बड़ा स्ट्रांग करें. नहीं, न्यू कंपनीज स्ट्रगल करती हैं, कैश इनफ्लोज इशू में नहीं आते. तो एक्विजिशन की सूरत में आपको इमीडिएट कैश इनफ्लोज मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं. रिडक्शन ऑफ रिस्क, एक्सटर्नल ग्रोथ से रिस्क फैक्टर में कमी आती है. Whenever a firm enters a new market, it takes a calculated risk, which is absolutely right. Whenever a firm enters a new market, it takes a calculated risk. जब भी नई मार्केट में आप जाते हैं, आपको
रिस्क पता होना चाहिए, आपने रिस्क कैलकुलेट किया हो कि यहाँ पे क्या रिस्क फैक्टर है। विल द न्यू प्रोडक्ट सेल इन सफिशेंट वॉल्यूम टू बी प्रॉफिटेबल? विल द फर्म्स मैनेजर बी एबल टू मेक द प्रॉपर डिसीजंस इन द न्यू ऑपरेटिंग एनवायरमेंट? विल द फर्म्स मैनेजर बी एबल टू मेक द प्रॉपर डिसीजंस इन द न्यू ऑपरेटिंग एनवायरमेंट? The acquired firm will be operating perhaps successfully in an environment familiar to its manager. By entering a field through established and experienced management, we reduce the chance of failure. जिस कंपनी को आप एक्वायर कर रहे हैं उसके पास जो probably जो स्टाफ है, जो प्रोफेशनल लोग हैं, वो बड़े सक्सेसफुल हैं, बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, हाईली एजुकेटेड है। बाय एंटरिंग थ्रू फील्ड थ्रू एस्टेब्लिश एंड एक्सपीरियंस मैनेजमेंट वी रिड्यूस द चांसेस फॉर फेलियर। ये एक एक्सटर्नल ग्रोथ का बेनिफिट है, रिडक्शन ऑफ रिस्क का। आप प्रैक्टिकली ऐसा होता है, कंपनीज दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही हैं, राइट? क्या कर रही हैं? एक्वायर। लेकिन क्या चीजें उसमें, उनमें इस तरह के जो जिस कंपनी को एक्वायर करें उनका स्टाफ, उनके प्रोफेशनल्स, उनके टेक्निकल लोग, उनकी लेबर, एसेट है उनका, यहां पे रिस्क कम हो जाता है कि आप फेल होंगे। समटाइम ऐसे केसेस हैं कि कंपनीज ने दूसरी कंपनीज को एक्वायर किया बट दे कुड नॉट डिलीवर बिकॉज कि उनके पास वो स्टाफ, वो प्रोफेशनल लोग नहीं थे जब कंपनी एक्वायर की। जब कंपनी एक्वायर की वो मैनेजर्स, प्रोफेशनल और टेक्निकल लोग जिस कंपनी को एक्वायर किया है उसमें नहीं थे, या जिस कंपनी ने एक्वायर किया है उस कंपनी के पास भी वो सेल फोर्स, वो टीम नहीं थी जो उस कंपनी को रन कर सके। सो बाय एंटरिंग अ फील्ड थ्रू एस्टेब्लिश एंड एक्सपीरियंस मैनेजमेंट वी रिड्यूस अ चांस ऑफ फेलियर। सो रिडक्शन ऑफ रिस्क ये अदर फैक्टर है एक्सटर्नल ग्रोथ का। लास्ट है इकोनॉमीज। ये सब फैक्टर जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये हैं कि एक्सटर्नल ग्रोथ ऑफर्स अ नंबर ऑफ एडवांटेजेस। ये हम एडवांटेजेस डिस्कस कर रहे हैं कि एक्सटर्नल ग्रोथ जो होती है जिसको हम एक्विजिशन कहते हैं, आपने फर्स्ट डिस्कस किया रैपिड एक्सपेंशन होती है, उसे हमें इमीडिएट कैश इनफ्लोज मिल जाता है, ठीक, एंड रिडक्शन ऑफ रिस्क। एंड लास्ट इसका है इकोनॉमीज। एंटरिंग अ न्यू मार्केट इन्वॉल्व्स, आप नई मार्केट में जाते हैं, इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टार्टअप कॉस्ट। अ स्टार्टअप कॉस्ट इज एन इनिशियल एक्सपेंस इनकर्ड विद द फर्म बिगिंस अ न्यू ऑपरेशन। आप न्यू मार्केट में जा रहे हैं, आपको एक स्टार्टअप कॉस्ट देनी पड़ती है, आपको पता नहीं नई मार्केट में क्या है, कंपटीशन है, उस कंपटीशन में आप कैसे कंपीट करेंगे, आपको कैसी मार्केटिंग करनी पड़ेगी वहां पे, आपको कैसे सेल्स अपनी वहां पे इंक्रीज करेंगे। सो स्टार्टअप कॉस्ट चाहिए आपको। वो स्टार्टअप कॉस्ट किस शेप में है? आइदर यू आर पेइंग फॉर एडवर्टाइजमेंट, फॉर मार्केटिंग, फॉर योर सेल फोर्स जो आपकी है उनको ट्रेन कर रहे हैं। इट मे बी द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग अ न्यू सेल फोर्स और पेइंग द लीगल फी रिक्वायर्ड फॉर द न्यू एक्टिविटी, राइट? फ्रीक्वेंटली दिस कॉस्ट कैन हेल्प टू अ मिनिमम बाय परचेजिंग एन ऑपरेटिंग फर्म। सो अगर आप ये कॉस्ट जो है आप दिस कॉस्ट कैन हेल्प टू अ मिनिमम, आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं इस तरह की कॉस्ट को कि न्यू मार्केट में एंटर होने के लिए आपको ठीक ठाक कैपिटल चाहिए, अच्छा खासा कैपिटल चाहिए। आप देखें ना, एक मार्केट में आप जा रहे हैं उसमें ऑलरेडी कंपिटिटर्स हैं, कंपटीशन है, लोग यू आर अ न्यू इन अ मार्केट। सो कैसे लोग आजकल क्या देखते हैं आप, लोग न्यू प्रोडक्ट्स की तरफ कैसे जाते हैं? फर्स्ट सोर्स क्या है? वेरी गुड, फर्स्ट सोर्स
आपकी एडवर्टाइजमेंट है, मीडिया कंपेन है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, बाहर बिलबोर्ड्स हैं, केबल नेटवर्क्स हैं, लीफलेटिंग्स हैं, बैनर्स हैं, डिफरेंट वेज हैं। सो इस ये उसके अलावा आपके सेल फोर्स है। अगर आप जाते हैं एक्विजिशन की तरफ, आप कोई कंपनी एक्वायर करते हैं, तो ये जो स्टार्टअप कॉस्ट है, स्टार्टअप कॉस्ट जिसको हम कहते हैं, ये मिनिमाइज हो सकती है, काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो सकती है। इसको हम इकोनॉमीज कहते हैं। अब आप है ना, एक्विजिशन से क्या फ़ायदा है? एक्विजिशन से फ़ायदा कि आपको कैश फ्लोज मिलते हैं, ये मैंने बताया ना, आपको कैश फ्लोज मिलते हैं, इमीडिएट कैश इनफ्लोज। कैसे? कि आपको ऑलरेडी सेल, जैसी भी कंपनी की सेल्स तो हो रही हैं, रैपिड एक्सपेंशन आप कर सकते हैं, रिडक्शन ऑफ रिस्क है, इकोनॉमीज है। सो दीज आर फोर मेजर एडवांटेजेस, फोर मेजर एडवांटेजेस ऑफ एक्विजिशन, राइट? एक्सटर्नल ग्रोथ इकोनॉमीज, इट वुड बी लेस एक्सपेंसिव टू टेक ओवर अ फर्म विद अ स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग फोर्स देन टू हैव टू कम्पीट विद अ मार्केटिंग फोर्स बाई बिल्डिंग वंस ओन मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अभी जो मैंने आपसे बात की है, इट वुड बी अ लेस एक्सपेंसिव टू टेक ओवर अ फर्म। आप अगर किसी फर्म को टेक ओवर करते हैं, वो कम आपको कॉस्ट करेगा जिसकी स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग फोर्स हो, ठीक है? और अगर स्ट्रांग मार्केटिंग फोर्स से आपने कंपनी को एक्वायर किया है, तो आपको मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाना, फिर वहाँ पे लोगों को ट्रेन करना, फिर उस न्यू प्रोडक्ट को न्यू एरिया में लॉन्च करना। आपने एक्वायर किया कंपनी और वहाँ से आगे आप चल रहे हैं, आप टू थ्री स्टेप्स हमेशा आगे हैं, इंस्टेड ऑफ आपने न्यू इनिशियल वहीं से अपना बिजनेस स्टार्ट किया हो। आप कंपनी एक्वायर कर रहे हैं तो आपको जो एसेट आते हैं उनमें ये चीज़ है कि मार्केटिंग स्टाफ आपके पास आ गया, सेल फोर्स आ गई, जिस कंपनी को आपने बाय किया उनके बहुत अच्छा मार्केटिंग स्टाफ है, बहुत अच्छी मार्केटिंग सेल फोर्स है, तो आपको एक बूस्ट मिलता है, ठीक है? इट वुड बी लेस एक्सपेंसिव टू टेक ओवर अ फर्म विद अ स्ट्रांग मार्केटिंग फोर्स देन टू हैव अ कंपीट विद अ मार्केटिंग फोर्स बाय बिल्डिंग वंस ओन मार्केटिंग डिपार्टमेंट। द रिडक्शन ऑफ स्टार्टअप कॉस्ट ऑफर्स इकोनॉमीज फ्रॉम एक्सटर्नल ग्रोथ। द रिडक्शन ऑफ स्टार्टअप कॉस्ट offer economies from external growth, right? तो ये चीजें हैं कि ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताई है कि एक्सटर्नल ग्रोथ इकोनॉमीज, ओके? अब आ जाए आप रीजन फॉर सीकिंग ग्रोथ। हमने ग्रोथ देखा, फिर एक्विजिशन के बेनिफिट देखे, कंपनीज क्यों ग्रोथ चाहती हैं, क्या रीजन हैं कंपनी जो ग्रो करना चाहती हैं, या उनके लिए ग्रोथ क्यों इम्पोर्टेंट है, रीजन्स फॉर सीकिंग ग्रोथ। इसलिए मर्जर हो रहे हैं, क्यों कंपनी आपस में मर्ज कर रही हैं, क्या वो ग्रोथ की रीजन है, क्यों कंपनी एक दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही हैं, क्या इसकी रीजन ग्रोथ है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट एरिया, रीजन्स फॉर सीकिंग ग्रोथ। मोस्टली कंपनी का मेन कंसर्न क्या है? प्रॉफिट, इनकम, डिविडेंड्स मिले शेयर होल्डर्स को, ग्रोथ चाहिए। इस कंपनी में, इस इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं है, इस कंपनी का शेयर्स बहुत अच्छा लेकिन ग्रोथ नहीं है। सो रीजंस फॉर सीकिंग ग्रोथ इज एन इम्पॉर्टेंट एरिया। सो लुक एट दिस पॉइंट, रीजन फॉर सीकिंग ग्रोथ की क्या इंपॉर्टेंस है। अ नंबर ऑफ रीजन्स मे बी ऑफर्ड एज टू वाई फर्म सीक टू ग्रो, अमंग द मोर इम्पॉर्टेंट वंस आर द फॉलोइंग। बहुत सी रीजन्स हैं कि कंपनी ग्रो क्यों करना चाहती हैं, मैनी रीजन्स, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हैं वो हम डिस्कस करते हैं। फोर रीजन्स हैं, डाइवर्सिफिकेशन, more important are the following: number 1 diversification, number 2 stability, number 3 operating economies, and number 4 profit from turnaround situations।
अगर आप वैसे ही सोचें कि कंपनी ग्रो क्यों चाहती है, एक आगे डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफाई क्या है, मोस्टली कंपनीज वर्ल्ड में अभी डाइवर्सिफिकेशन पे जा रही हैं। मेन रीजन बिहाइंड दिस, मेन मोटिव बिहाइंड दैट डाइवर्सिफिकेशन इज रिड्यूसिंग रिस्क, मिनिमाइज द रिस्क। डाइवर्सिफिकेशन क्या है, लेट सी आप सीमेंट बना रहे हैं, सीमेंट इंडस्ट्री में आप हैं, सीमेंट इंडस्ट्री में साथ आपने फास्ट फूड की चेन खोली है। अब सीमेंट का फास्ट फूड से कोई तलक नहीं है, ये फूड आइटम्स हैं, ये सीमेंट है, लेकिन डाइवर्सिफाई किया अपना रिस्क रिड्यूस करने के लिए कि किसी टाइम पे भी सीमेंट पे अगर मार्केट डाउन हो या ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज ना हो, ये कोई भी बात हो, लेकिन आप डाइवर्सिफाई, आप इस इंडस्ट्री से बेनिफिट ले रहे हैं, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। सो आप कई बड़े बड़े ग्रुप्स देखेंगे कि वो डाइवर्सिफाई होते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट्स, डिफरेंट इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट्स, डिफरेंट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट। सो ग्रोथ देखते हैं अपनी ग्रो। फॉर एग्जाम्पल आप जिस इंडस्ट्री में हैं, फॉर एग्जाम्पल सीमेंट में आप हैं, लेकिन सीमेंट में आगे ग्रोथ नहीं हो रही आपकी, बट यू रियली वॉन्ट टू ग्रो। सो आप क्या करते हैं, आप बैंकिंग इंडस्ट्री में चले जाते हैं, सीमेंट में भी काम हो रहा है, बैंकिंग में भी हो रहा है। एंग्रो ग्रुप पाकिस्तान आपके सामने क्लासिकल एग्जाम्पल है। एंग्रो ग्रुप की आप हिस्ट्री देखें, आज से 15 ईयर्स पहले क्या क्या पोजीशन थी, और आज देखें एंग्रो के साथ डाइवर्सिफाई हुआ है, एंग्रो का पोर्टफोलियो कैसे बढ़ा है, एंग्रो ने कैसे एक्सपेंशन किया है। एंग्रो ने एक ही इंडस्ट्री में रह के एक्सपेंशन नहीं की, एंग्रो डाइवर्सिफाई हुआ है, राइट? सो डाइवर्सिफिकेशन से आपको ग्रोथ मिलती है। अपनी इंडस्ट्री में भी आप ग्रोथ कर सकते हैं, बट डिफरेंट इंडस्ट्री का आप जाके आप ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। स्टेबिलिटी, अब एंग्रो का शेयर जो है, अगर आपने एंग्रो के शेयर बाय किए, एंग्रो पाकिस्तान डिफरेंट इंडस्ट्री में है वो, ठीक है ना, डिफरेंट इंडस्ट्री में, लेट्स सी किसी एक इंडस्ट्री में कोई स्लम आता है लेकिन दूसरी इंडस्ट्री में बूस्ट आ जाता है, तो एंग्रो के शेयर्स में स्टेबिलिटी रहेगी, यस और नो? यस। ऑपरेटिंग इकोनॉमीज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। ओवरऑल आपको सिनर्जी भी मिल सकती है, ऑल दो यू आर इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज बट स्टिल यू कैन गेट सम सिनर्जी। अभी हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह है कि प्रॉफिट फ्रॉम टर्न अराउंड सिचुएशंस। यस, डाइवर्सिफिकेशन, मोस्ट फर्म रिकॉग्नाइज दैट डाइवर्सिफाइंग देयर ऑपरेटिंग ऑपरेशंस, मोस्ट फर्म रिकॉग्नाइज दैट डाइवर्सिफाइंग देयर ऑपरेशंस रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ फेलियर, मोस्ट फर्म रिकॉग्नाइज दैट डाइवर्सिफाइंग देयर ऑपरेशंस रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ फेलियर। If a firm produces a single product, it is subject to the market pressure on the product. जैसे मैंने बताया कि एंग्रो अगर सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट ही बना रहा हो तो मार्केट प्रेशर उसके ऊपर ऑन द प्रोडक्ट ऑल द टाइम है, राइट? इफ अ कंपिटेटर इंट्रोड्यूस अ इम्प्रूव्ड सिस्टम ऑफ द प्रोडक्ट और अ सब्स्टिट्यूट फॉर इट, द फर्म मे नो लॉन्गर बी एबल टू कम्पीट इन द मार्केट प्लेस। आप एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपके कंपिटेटर ने, आपकी कंपिटेटिंग फर्म ने कोई इम्प्रूव वर्जन उसका ले आया, आईटी टेक्नोलॉजी यूज की है, उसका एडवांस वर्जन, एडवांस प्रोडक्ट कर दिया है, आपकी प्रोडक्ट तो कोई नहीं खरीदेगा, या आपकी प्रोडक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट ले आया है, एडवांस नहीं भी किया, तो आपकी प्रोडक्ट की डिमांड फॉल हो जाएगी, गिर जाएगी। सो डाइवर्सिफिकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि लेट्स सी आप डिफरेंट सेक्टर्स में बैठे हुए हैं, किसी एक सेक्टर में कैसी चीज आती है, आपको ब्रीदिंग टाइम मिल जाता है, यू हैव एम्पल ऑफ रिजर्व्स एंड यू हैव डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स, तो आप स्टेप सर्वाइव कर जाते हैं। अदरवाइज अगर आप सिर्फ एक
जस्ट वन प्रोडक्ट ऑफ टू और थ्री प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और ज़्यादा डाइवर्सिफाई नहीं है, और अगर आपके कंपटीटर्स कोई आपको हमेशा थ्रेट रहेगा अपने कंपटीटर से, आपके कंपटीटर्स कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, कोई सब्स्टिट्यूट ले आता है, कोई चीज़ ऐसी इम्पोर्ट करता है जो आपके प्रोडक्ट की सब्स्टिट्यूट है, सो यू विल बी इन डेंजर जोन, कंपनी विल बी इन रियली ट्रबल जब यह पोजिशन हो जाएगी। सो डाइवर्सिफिकेशन के बड़े फायदे हैं, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए आपको प्रोफेशनली काफ़ी चीज़ों का हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि आप देखें आप एक कंपनी रन कर रहे हैं जो डिफरेंट इंडस्ट्री में डिफरेंट इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्ट्स बना रही है, सो उस इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने बड़ा कुछ देखना है, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके बाकी चीज़ों में बहुत इजाफा होता है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन ओवरऑल कंपनी को लॉन्ग रन बहुत फायदा देती है। ऑलराइट, सिंस डिमांड एंड कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स आर डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, वेरी डिफिकल्ट नाउ डेज, कंपटीशन है, आप डिमांड को यू कैन एस्टिमेट, यू कैन गिव सम काइंड ऑफ प्रिडिक्शन, बट इतना कंपटीशन है कि आप डिमांड को बिकॉज सही मैंने फोरकास्ट नहीं कर सकते, सो डिमांड एंड कंपिटेटिव फैक्टर्स आर डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, द ओनली सर्टन सेफ गार्ड अगेंस्ट अ मार्केट डिजास्टर इज डाइवर्सिफिकेशन। आपने डाइवर्सिफाई किया हुआ है, आप फोर्सी करते हैं अभी चीज को, आप बड़े प्रोएक्टिव हैं, सब कुछ है, लेकिन आप अगर सिंगल प्रोडक्ट पे चल रहे हैं तो डिफिकल्ट हो जाता है आपको मार्केट में सर्वाइव करना। सो डाइवर्सिफिकेशन ही ऐसा रास्ता है जो आपको एक किसी भी बड़े डिजास्टर से बचा सकता है। आप वर्ल्ड में देख लें, कोई कंपनीज देख लें, पाकिस्तान में देख लें, एशिया में देख लें, यूरोप एंड मिडल ईस्ट एंड अमेरिका में देखें, जो कंपनीज डाइवर्सिफाइड हैं, वेल डाइवर्सिफाइड हैं, वो लेस रिस्की हैं, उनके शेयर्स में स्टेबिलिटी है, उनके शेयर वॉलेटाइल नहीं है, शेयर होल्डर्स प्रेफर करते हैं शेयर बाय करना, इन्वेस्टर्स प्रेफर करते हैं उन कंपनीज के शेयर्स बाय करना, क्यों, वो डाइवर्सिफाइड है, किसी एक इंडस्ट्री में सलाम आएगा दूसरा उसको संभाल लेगा, दूसरे में आएगा थर्ड उसको संभाल लेगा। डोंट कहते हैं डोंट पुट योर एग्स इन वन बास्केट, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, बास्केट ही चलेगी सारे एग्स टूट जाएंगे, सो देयरफॉर डाइवर्सिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट। अब तो कंपनी अच्छी कंपनी डाइवर्सिफाई करती हैं। इफ द फर्म इज ऑपरेटिंग इन अ वेराइटी ऑफ मार्केट्स विद मैनी प्रोडक्ट्स, इट कैन कोप बेटर विद अ कट बैक इन अ सिंगल प्रोडक्ट और मार्केट। जी मैं बाबर आपसे बात कर रहा हूँ। इफ द फर्म इज ऑपरेटिंग इन अ वेराइटी ऑफ मार्केट्स विद मैनी प्रोडक्ट्स, अगर वेराइटी ऑफ मार्केट्स में है मैनी प्रोडक्ट्स, इट कैन कोप क्वाइट बेटर विद अ कट बैक इन सिंगल प्रोडक्ट और मार्केट, क्योंकि एक मार्केट अगर कट बैक हो भी गई, उसमें मंदी आ गई, स्लम आ गया, कोई बात नहीं, वो कोप कर लेंगे। सो डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डाइवर्सिफिकेशन कैन सेव द कंपनीज फ्रॉम वेरी अनसर्टेन सिचुएशंस। सो कंपनीज जो भी इवन रिसेशन में भी जो कंपनी सर्वाइव करती हैं, वो मोस्ट देखिए आप वो डाइवर्सिफाइड होती हैं, और मैनेजमेंट अब सोच अच्छी मैनेजमेंट है, कंपनी की टॉप मैनेजमेंट हैं जो अच्छे बिजनेसेस कर रहे हैं, दे ऑलवेज थिंक अबाउट डाइवर्सिफिकेशन इज वेल, देयर कोर बिजनेस इज देयर एंड दे थिंक अबाउट डाइवर्सिफिकेशन, और फिर उसमें आगे एक्सेल करते हैं। राइट, गुड। स्टेबिलिटी, व्हेन अ फर्म इज एबल टू अचीव अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ सेल्स, इट बिकम्स मोर स्टेबल देन फर्म विद अ स्मॉलर वॉल्यूम सेल्स। When a firm is able to achieve large volume of sales, it becomes more stable than firms with smaller volume of sale. The high level of revenues allows production economies and other cost saving techniques, which allow a high margin of profit on sales. High level of revenue jo hai, allows production of economies and other saving cost techniques.
सो स्टेबिलिटी जो है वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ सेल्स हो, लार्ज वॉल्यूम ऑफ सेल्स से आपको इट बिकम्स मोर स्टेबल देन फर्म्स विद अ स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ सेल्स. ऑब्वियसली आपकी लार्ज सेल्स होनी है, ज्यादा सेल्स होनी है, सो यू योर कंपनी इज क्वाइट स्टेबल. हाई लेवल ऑफ रेवेन्यू हो अलाउज प्रोडक्शन इकोनॉमीज. ठीक है, हाई लेवल ऑफ रेवेन्यूज आपके हैं, आप प्रोडक्शन साइड पे मॉडर्न मशीनरी और चीज खरीद सकते हैं, एंड अदर कॉस्ट सेविंग टेक्निक्स कर सकते हैं. सो दिस इज अ सेकेंड रीजन. ऑल्सो द हाई सेल्स लेवल अलाउज अ डीप पेनिट्रेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द फर्म्स मार्केट्स. अगर आपके हाई लेवल ऑफ सेल्स हैं, आप पेनिट्रेट डीप पेनिट्रेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द फर्म्स मार्केट्स. इफ अ फर्म डोमिनेट्स अ मार्केट, इट इज बेटर एबल टू विदस्टैंड प्रेशर एंड प्रॉब्लम इन द मार्केट. ठीक है, अगर फर्म जो है वो डोमिनेट कर रही है मार्केट में, इट इज बेटर एबल टू विदस्टैंड प्रेशर एंड प्रॉब्लम इन द मार्केट. हाई सेल लेवल अलाउज अ डीप पेनिट्रेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द फर्म्स मार्केट. सो स्टेबिलिटी इसी में कि आपके हाई लेवल ऑफ सेल्स हैं और आप मार्केट में सही डीप पेनिट्रेशन कर सकते हैं. ऑपरेटिंग इकोनॉमीज, लार्ज फर्म्स आर एबल टू अचीव इकोनॉमीज नॉट अवेलेबल टू स्मॉल फर्म्स. ऑब्वियसली जो लार्ज लार्ज फर्म्स हैं वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल को एंजॉय करते हैं, ठीक है, और स्मॉल फर्म्स नहीं कर सकते हैं, नॉट अवेलेबल टू स्मॉल फर्म्स. एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल आप देखें, प्रॉक्टर एंड गैम्बल इज अ गुड बिग कंपनी, इज अ लार्ज प्रोड्यूसर एंड सेलर ऑफ नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स सच एज सोप्स, पेपर प्रोडक्ट्स एंड फूड आइटम्स. जो एक बहुत बड़ी कंपनी है प्रॉक्टर एंड गैम्बल, वो चीजें प्रोड्यूस करते हैं और सेल करते हैं. कौन सी? नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स सच एज सोप्स, पेपर प्रोडक्ट्स एंड फूड आइटम्स. सोप्स भी हैं, पेपर प्रोडक्ट्स भी हैं एंड फूड आइटम्स हैं, डाइवर्सिफाई है ही नहीं है. देखें, एक तरफ सोप्स हैं, एक तो फूड आइटम है, एक तो पेपर प्रोडक्ट्स हैं. सो दे आर बिग प्रोड्यूसर एंड सेलर ऑफ नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एंड बिकॉज ऑफ इट्स साइज द फर्म इज एबल टू परचेज लार्ज ब्लॉक्स ऑफ टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट टाइम एट लो रेट्स देन द फर्म परचेजिंग फ्यू ब्लॉक्स ऑफ टाइम. बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो टेलीविजन पे अपना एड देने के लिए जो है वो जो उसने टाइम बाय किया है वो ज्यादा बाय किया है और उसको लो रेट मिला है. अगर कंपनी का साइज बड़ा ना होता, कंपनी लार्ज ब्लॉक्स में टाइम बाय नहीं कर सकती है. तो बिकॉज ऑफ इट्स साइज द फर्म इज एबल टू परचेज लार्ज ब्लॉक्स ऑफ टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट एट द लो रेट्स देन द फर्म परचेजिंग फ्यू ब्लॉकर्स ऑफ टाइम. द रिड्यूस एडवर्टाइजिंग रेट्स आर इन एन इकोनॉमी एंड वुड नॉट हैव बीन सीन एंड वुड नॉट हैव बीन अवेलेबल इट्स प्रॉक्टर एंड गैम्बल हैड नॉट ग्रोन टू इट्स प्रेजेंट साइज. ये जो अगर जो आप बता रहे हैं कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल एक बड़ी कंपनी है, इसने एडवर्टाइजमेंट टाइम खरीदा टेलीविजन पे एड देने के लिए, बिकॉज ऑफ द बिग साइज उनको वो ज्यादा टाइम उन्होंने बाय किया और वो लो रेट्स में मिल गया. अगर वो एडवर्टाइजिंग रेट्स में अगर वो रिड्यूसिंग एडवर्टाइजिंग रेट्स आर एन इकोनॉमी दैट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल. वो ऐसा पॉसिबल ना होता अगर प्रॉक्टर एंड गैम्बल इतने बड़े साइज में ग्रोन अप ना होते हैं, उनकी ग्रोथ इतनी ज्यादा ना होती. That would have not been possible. That would not have been have been available if Procter and Gamble had not grown to its present size. So, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि एक कंपनी बड़ी कंपनी है, उसने काफ़ी डिफरेंट इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, मैनी एक्विजिशंस हैं, मर्जर्स हैं. सो साइज जो है वो और डिफरेंट इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट है, रिस्क कम है, एंड जो आपकी
ऑपरेटिंग इकोनॉमीज़ हैं, जिसकी एक है कि आप कैसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल करते हैं। इसकी एक एग्जांपल है कि आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है वो आपने बिकॉज ऑफ योर बिग साइज यू बाय टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट टाइम फॉर लॉन्गर टाइम एंड देयरफॉर यू पे लेस लो रेट्स। यस एंड लास्ट है प्रॉफिट्स फ्रॉम टर्न अराउंड सिचुएशन। टर्न अराउंड सिचुएशन क्या होती है? व्हेन अ फर्म इज ऑपरेटिंग बिलो इट्स पोटेंशियल प्रॉफिट लेवल्स। व्हेन अ फर्म, इंपॉर्टेंट है ये देखें, वर्डिंग देखें, व्हेन अ फर्म इज ऑपरेटिंग बिलो इट्स पोटेंशियल प्रॉफिट लेवल्स अ न्यू मैनेजमेंट कुड रिमूव इनएफिशिएंसीज एंड सॉल्व प्रॉब्लम रिजल्टिंग इन अ ड्रामेटिक राइज इन प्रॉफिट्स। कंपनी, कई कंपनीज दूसरी कंपनी को जब एक्वायर करती हैं उससे पहले उन्होंने एस्टिमेट्स ले आए होते हैं कि ये प्रॉफिट लेवल इनका लो है, पोटेंशियल प्रॉफिट लेवल ऑपरेटिंग बिलो, व्हेन अ फर्म इज ऑपरेटिंग बिलो इट्स पोटेंशियल प्रॉफिट लेवल, जितना उसका पोटेंशियल है प्रॉफिट अर्न करने का उससे लो परफॉर्म कर रही है। जो नई मैनेजमेंट आती है वो इनएफिशिएंसीज को रिमूव करके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करके प्रॉफिट को राइज करती है। इसको कहते हैं टर्न अराउंड सिचुएशन। व्हेन अ फर्म इज ऑपरेटिंग बिलो इट्स पोटेंशियल प्रॉफिट लेवल्स अ न्यू मैनेजमेंट कुड रिमूव इनएफिशिएंसीज एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स रिजल्टिंग इन अ ड्रामेटिक राइज इन प्रॉफिट्स। सच अ फर्म ऑफर्स अ टर्न अराउंड सिचुएशन। सच अ फर्म ऑफर्स अ टर्न अराउंड सिचुएशन व्हेन अ फर्म इज डूइंग प्योरली बट हैज स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल फॉर इम्प्रूवमेंट। ऐसी फर्में जो प्योरली परफॉर्म कर रही होती है लेकिन उनमें पोटेंशियल होता है। व्हेन अ फर्म इज डूइंग प्योरली बट हैज स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल फॉर इम्प्रूवमेंट द फर्म विल बिकम द टारगेट ऑफ एक्वायरिंग फर्म्स। तो दूसरी फर्म का वो टारगेट बन जाती है जिसको एक्वायर कर रहे होते हैं। तो टर्न अराउंड सिचुएशन को आप ध्यान में रखें, जब फर्म्स जो हैं वो पूरली परफॉर्म कर रही होती हैं लेकिन उनमें पोटेंशियल होता है, उन्हें पोटेंशियल होता है, ये मैं बताया इंट्रेंसिक वैल्यू, हम देखते नहीं है इसकी रियल वर्थ और है, लेकिन फर्म परफॉर्म नहीं कर रही, पूरली परफॉर्म कर रही, कुड बी एनी रीजन, कुड बी बैड मैनेजमेंट, कुड बी नॉट रिलायबल सप्लायर्स और कुड बी बैड कस्टमर सर्विस। तो फर्म्स हर जो फर्म जो जिनका बिजनेस है दूसरी फर्म्स को एक्वायर करना वो ऑल द टाइम इस तरह की फर्म्स को जो अंडर वैल्यूड है देख रही होती हैं, और जब एक्वायर कर लेती हैं मैनेजमेंट को चेंज करके प्रॉफिट को राइज करती हैं, इसको हम कहते हैं टर्न अराउंड सिचुएशन। टर्न अराउंड सिचुएशन राइट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक हमने जो मर्जर एक्विजिशन डिस्कस किया है वेरी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, और फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में मर्जर एक्विजिशन का टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपको पहले पता होना चाहिए मर्जर क्या चीज़ है, एक्विजिशन क्या है, क्या रीजंस बिहाइंड मर्जर एंड एक्विजिशन हैं, ग्रोथ कैसे होती है, रीजंस फॉर सीकिंग ग्रोथ क्या है। हम इसी टॉपिक को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू रखेंगे मर्जर एंड एक्विजिशन को, और इसके फर्दर और इम्पॉर्टेंट एरियाज को डिस्कस करेंगे। तो सो फार जो कुछ हमने आज पढ़ा है आप इसको प्लीज़ अच्छी तरह रिवाइज कर लें। ये फैक्टर्स थे, फोर फैक्टर्स, इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स के नंबर ऑफ रीजन मे बी ऑफर्ड एज टू वाई फर्म सी ग्रोथ, क्यों ग्रो करना चाहती हैं, डाइवर्सिफिकेशन, स्टेबिलिटी, ऑपरेटिंग इनकम्स, प्रॉफिट फ्रॉम टर्न अराउंड सिचुएशन, एंड इसी तरह इंटरनल ग्रोथ क्या होती है एंड एक्सटर्नल ग्रोथ क्या होती है, ये हमने आज जरा डिटेल में देखा है। प्लीज़ इसको आप ज़रूर देखें कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल ग्रोथ क्या है। यस एंड वी लुक एट थ्री मेजर्स ऑफ कॉर्पोरेट ग्रोथ आर कॉमनली यूज, थ्री मेजर्स ऑफ कॉर्पोरेट ग्रोथ हम कैसे अंदाजा लगाएं कंपनी में ग्रोथ है, इंक्रीज इन सेल्स, इंक्रीज इन प्रॉफिट्स, इंक्रीज इन सेल्स, इंक्रीज इन प्रॉफिट्स, इंक्रीज इन एसेट्स। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एरिया वी डिस्कस टूडे, सो प्लीज आप इसको भी अच्छी तरह देखें। सो मर्जर एक्विजिशन को हम लेके आगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो सो फॉर जो हमने पढ़ा है आप इसको रिवाइज करें, आप उसमें डिस्कस करें, और बिल्कुल फ्रेश होके नेक्स्ट क्लास में आए ताकि मैं आपके लिए जो मैंने रेडी किए क्वेश्चन मर्जर एंड एक्विजिशन उसमें हम डिस्कस करेंगे। ओके सो दिस इज ऑल एंड ऑफ टूडेज लेक्चर।
So my advice is to you again, so please come with knowledge, with good knowledge about merger and acquisition in our next class. So next class mein inshallah milte hain. Allah Hafiz.